चलिए सर, थैंक यू। अब हम अपने दूसरे जो प्रोजेक्ट है उसकी तरफ मूव करते हैं, वो है स्किल्स मैटर मोर देन डिग्रीज। सर, इसके बारे में जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है जब ये डिज़ाइन हो रहा था, तो उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ अच्छा, कीजिए। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ऐसे कि हमारे यहाँ थोड़ा सा आपने देखा होगा हमेशा जब भी गवर्नमेंट आती है, जो भी आती है, उसका यही होता है कि यार स्किल्स पे हमने काम करना है। स्किल्स बहुत ज़रूरी है। इकॉनमी के रिफॉर्म की बहुत होती है, तो वो भी शुरू जो है वो वहीं से होती है कि स्किल्स पे जो है ना, हमने अब टेक्निकल स्किल्स पे एजुकेट करना है, ये वोकेशनल ट्रेनिंग्स करानी है, इससे हमारी अपलिफ्ट हो जाएगी। तो मतलब आप समझे, क्लैरिटी हर किसी को है कि स्किल्ड नेशन होगा तो प्रॉस्पेरिटी ऑब्वियसली फॉलो करेगी। लेकिन मसला ये है कि इस पे उस तरह से काम नहीं हो रहा, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हैं। आई वॉन्ट से कि सारा ब्लेम उन पे जाना चाहिए, गवर्नमेंट पे जाना चाहिए, बच्चों का भी ऑब्वियसली, ये स्टूडेंट्स हैं उनका भी उतना ही कसूर होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूँ, जब मैंने ग्रेजुएट किया तो आई डिडंट हैव एनी स्किल्स। हालांकि मैंने एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री ली, तो फिर आई रियलाइज़ कि नहीं यार, मैं तो इस पोजीशन में ही शायद अभी इतना केपेबल ही नहीं हूँ कि मैं परफॉर्म कर सकूँ या कोई काम कर सकूँ, मतलब बेसिक कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट जाहिर कर है सकूँ। सर, इंडिविजुअल तो चॉइसेस भी होते हैं, बट हाँ, डेफिनेटली एक सिस्टम का भी तो फेलियर एक ऑब्वियसली है। इसका मैसेज यही है कि जो है स्किल्स हैं, डिग्रीज आर इम्पॉर्टेंट। डिग्रीज अगर आप देखें, वो कुछ एक डिग्री जो भी होती है आपके पास, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है उसकी एक वैल्यू होती है अपनी, लेकिन बेसिकली एक डिग्री एक एम्प्लॉयर देखता है, तो वो ये देखता है कि अच्छा, इसने 4 साल यूनिवर्सिटी या जो इसको असाइनमेंट्स मिली वो इसने टाइम पर जमा कराई, काम किया। तो इट्स बेसिकली ये एक, वो सिर्फ आपका एक प्रूफ होता है या वैलिडेशन होती है कि हाँ मैं कर कुछ पढ़ा लूँगा, लिखा हूँ या हाँ कुछ मैं किया कर हुआ। लूँगा, मुझे आप काम देंगे, मैं आऊँगा, मैं आई विल शो अप। ऐसे नहीं है कि मैं गायब हो जाऊँगा और तो ये। लेकिन जब आपने आगे काम करना है प्रैक्टिकली, तो उसमें फिर डिग्री जो है वो पीछे रह जाती है। फिर आता है कि आपकी स्किल्स क्या हैं उस डिग्री के दौरान, जो आपने स्किल्स एक्वायर किए हैं या आगे पीछे जो स्किल्स एक्वायर किए हैं, आपकी परफॉर्मेंस ऑन द जॉब उस पर मैटर करती है। तो बेसिक मैसेज यही है यूथ के लिए, गवर्नमेंट के लिए, पेरेंट्स के लिए, इन सब के साथ। हम इसमें भी हमने ये सोचा कि हम 5 मिलियन लोगों तक पहुँचेंगे विद द सेम मैसेज के जी जो है स्किल्स वो आज के दौर में ज़्यादा अहम है। इसके साथ साथ हम उन्हें ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी स्किल्स हैं जो अगले 10 साल में इन डिमांड होंगी, कितनी डिमांड होगी उनकी, और वो स्किल्स वो कहाँ से सीख सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं, फ्री सीखना चाहें तो फ्री कैसे सीख सकते हैं, पर पे करके सीखना चाहें तो कहाँ सीख सकते हैं, उसके बाद उसके एम्प्लॉयमेंट के प्रॉस्पेक्ट्स क्या होंगे, अगर आपने जॉब ढूंढनी है तो वो कैसे ढूंढनी है, और अगर आप फ्रीलांस काम करना चाहते हैं तो वो आपने कैसे सिक्योर करना है। तो ऑब्वियसली इट विल कवर ऑल ऑफ दोस थिंग्स। अगर सर कंसिडरिंग कि पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद ऐसी है जो नौजवानों पर मुश्तमिल है, और ये वो लोग हैं जो कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ ग्रेजुएट हो चुके हैं और अभी जॉब्स की तलाश में, जॉब्स उस तरह से मिल नहीं रही, तो एक फ्रस्ट्रेशन है। तो आपको क्या लगता है ऐसी सूरत हाल में इस जो एक पर्टिनेंट इशू है स्किल्स का और डिग्री का और जॉब ना मिलने का, उसमें आपको क्या लगता है कि ये कितना बड़ा इम्पैक्ट ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर पाएगा? ऑब्वियसली इम्पैक्ट मेरे हिसाब में, तो अगर जो हमारी ऑब्जेक्टिव्स हैं इस प्रोजेक्ट को लेके, उससे अगर हम उसको इन इट्स लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट कर सकें और वो सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लें, तो ऑब्वियसली उससे आप सोचें, अगर 5 मिलियन स्टूडेंट्स ये बात समझ ले, उसको ये रियलाइजेशन हो जाए उसने कौन सी स्किल्स सीखनी है, उसने काम कैसे लेना है, कहाँ से लेना है, तो इससे 5 मिलियन ख़ानदान, और फिर आप समझें कि आपकी आबादी के एटलीस्ट 10 to 15% जो लोग हैं उनको डायरेक्टली फ़ायदा होगा किसी न किसी फॉर्म में, और फिर इकॉनमी में कितना फ़ायदा होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो वी आर होपफुल कि बहुत पॉजिटिवली इम्पेक्ट करेगा ये प्रोजेक्ट सोसाइटी। डेफिनेटली इट विल। सर, ये बताइएगा कि आपने 5 मिलियन का एक फिगर की बात की जो कि बड़ा फिगर है, बताइएगा कि किस तरह से आप ये टारगेट करेंगे और किस तरह से ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है स्किल्स के हवाले से, ये किस तरह से आप लेके आगे चलेंगे? अच्छा, इसमें भी 2-3 मॉडल्स हैं। एक तो प्रमोशनल जो एक्टिविटीज़ होती हैं जनरल, आप देखें जो लोग उस ब्रैकेट में इस टाइम जो सीखना चाह रहे हैं वो शायद इस वक्त ज़्यादा इंगेज होते हैं ऑन सोशल मीडिया और इन चीज़ों पे, तो वी वांटेड टू बी कि ये इंगेजिंग हो कंटेंट जो भी हम क्रिएट करें, और उनसे मतलब जो भी जिस जिस फोरम पे भी हमारी उनसे इंटरेक्शन हो, वेदर वो 1-to-1 किसी वर्कशॉप पे हो, किसी ट्रेनिंग पे हो, किसी सेमिनार पे हो, या थ्रू मीडिया हो, तो वो इंगेजिंग हो और उनको मैसेज समझ आए और उन तक वो सारी बातें पहुंच जाएं जो मैंने आपको बताई, जो हम पहुंचाना चाहते हैं,
तो इन कुछ प्लेटफॉर्म कुछ ये मीडिया कैंपेन्स, फिर सेमिनार्स, फिर ट्रेनिंग्स, तो ये मुख्तलिफ यानी इसमें कंपोनेंट्स अवेयरनेस के हैं साथ इस साथ प्रोजेक्ट ट्रेनिंग के। इंस्टीट्यूट के हाँ साथ भी ऑब्वियसली यानी सारे चीज़ें कवर होंगी। इसके साथ साथ फिर हमारी ये कोशिश भी होगी कि हम रिसर्चेस जो है हमारी, हम उसकी बेस पे जो हमारी गवर्नमेंट है उसको भी फीडबैक दें, उनको इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग भी उनको एड कर सकें, इन टर्म्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट भी उनको कर और सकें, इन टर्म्स इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट भी कर सकें। और सबसे अहम बात जो है वो हमारे यहाँ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का बहुत इशू है, आपने देखा होगा। तो बिल्कुल हमारी ये भी सोच है कि हमने उन बच्चों को जो दोज हु हैव मिस्ड द ट्रेन ऑलरेडी, जो अब स्कूल तो नहीं जा सकते, लेकिन वी हैव टू यू नो फाइंड अ सोल्यूशन, जो ऑब्वियसली जिसका एक ही सोल्यूशन समझ में आता है और है भी, वो यही है कि आप उन्हें कोई स्किल सिखा दें। दे शुड बी अ और पाथवे और एक प्रॉपर उसका जो है चैनल काव हमें करना होगा कि उन लोगों को हम वापस फोल्ड में ला के प्रोडक्टिव सिटीजन्स बना सकें। अगेन सर इसकी आपको क्या लगता है कि एक तरफ तो सोसाइटी है और अगर चलें कंप्लीट जो 5 मिलियन की फ़िगर है वो ना भी तो अगर आप उसके 70-80% भी डिलीवरेबल्स एक्चुअली वो अचीव कर लेते हैं तो आपको क्या लगता है कि स्टेट के लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है, सोसाइटी के लिए तो वेल, होगा मैंने ही। आपको बताया ये 5 मिलियन जब हम स्टूडेंट्स की या इंडिविजुअल्स की बात करते हैं, तो जब आप इनको इन टर्म्स ऑफ फैमिली देखें तो वो आपकी पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा बन जाता है, वो मोर देन 25 मिलियन हो जाता है, ठीक है, जो 10-15% इसके अराउंड कुछ आएगा। उसके बाद फिर इकॉनमी में आप देखें, आपकी 5 मिलियन स्किल्ड लेबर अगर अचानक एंटर हो जाए तो इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए, आप फिर प्रॉस्पेरिटी डेफिनेटली वो फिर ऑब्वियसली वो तो इट विल फॉलो। तो अगेन सर मैं थोड़ा सा बिल्कुल ये जानना चाह रहा हूँ कि इस ये जो प्रोजेक्ट है स्किल्स के हवाले से और डिग्री का ज़ाहिर है आपने पर्सनल भी एक अपनी जर्नी बताई कि जब आप ग्रेजुएट हुए तो इसकी क्या मोटिवेशन थी कि यार इस तरह का कोई प्रोजेक्ट होना अच्छा, ये चाहिए एंड इसकी हमें टारगेट प्रोजेक्ट मैंने करना है। देखे, जैसे आपने शुरू में बात की हमारी इकोनॉमी बड़ी स्ट्रेस में रही पिछला अरसा, और अभी भी जो गवर्नमेंट आई, जब भी जो पिछली भी गवर्नमेंट थी पीटीआई की वो भी आई, तो जब भी इकोनॉमी पे या किसी भी इशू पे बात शुरू होती है तो घूम फिर आके यहीं आ जाते हैं कि हमने वर्कफोर्स को जो है वो प्रोडक्टिव बनाना है। और ये आप देखें, ये बहुत अभी शायद हम इसको इतना सीरियसली नहीं ले रहे, लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा, स्ट्रेटेजिक चैलेंज। ऑब्वियसली जिस किस्म का हमारे पास यूथ बल्ज है, जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट करंट भी है, और जो इस तरह आपने आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन रखे रखे हैं इतने, तो ये वो जिसे कहते हैं आपने बड़ी कॉमन सी टर्म है आजकल ये, इसको वो एक्सप्लोजन वो होगी, उसको अवॉइड करना है ऑब्वियसली, तो उसका सबसे मेन जो है हल तो यही है। इसके अलावा आप थोड़ा सा अगर इसको डाइसेक्ट करें, आप ये देखें कि अब जो है चीज़ें भी चेंज हो रही हैं थोड़ी सी टेक्नोलॉजिकली, जो हमारी स्किल्ड है, हमारा डायस्पोरा जो है पाकिस्तानी, वो मेरे ख्याल है 8-9 मिलियन लोग हैं जो बाहर काम करते हैं, जिनमें से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है वो लेबर क्लास है, जिसे हम कहते हैं मजदूर तबका या कुछ। तो अगले 10 साल में वी कैन फोर सी के ये जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन है, तो वो टेक्नोलॉजिकली चीज़ें एडवांस हो जाएंगी, कुछ मशीनरी ऐसी हो जाएगी सोफिस्टिकेटेड के उधर भी, जहाँ भी अनस्किल्ड लोग भी चल जाते हैं, हो सकता है वहाँ भी फिर आपके अनस्किल्ड लोग ना चल सकें, आपको स्किल्ड लेबर चाहिए। तो अभी ये 8-9 मिलियन जो लोग हैं ये पीछे फैमिलीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, हमें रेमिटेंसेज आ रही हैं, तो हमारे पास जो यूथ बाल जाइए, जो लोग आउट ऑफ स्कूल रह गए हैं चिल्ड्रन, पहले ये होता था कि चलो बाहर चले जाते थे, कोई ऐसा काम किया था, अब अगर 10 साल बाद वो भी ना कर सके तो फिर आप क्या समझते हैं स्टेट कहाँ खड़ी होगी, तो इन अ क्या वे करेगा? तो ये ये स्ट्रेटेजिक हम एक आप समझें एक एक खाई एग्जिस्टेंट की एक तरफ जा रहे एग्जिस्टेंशियल हैं, ये एक जिससे इशू है। जिससे बचने का यही तरीका है। दूसरा फिर इकॉनमी भी, अगर हमने इकोनॉमिक ग्रोथ भी चाहिए तो वो ऑब्वियसली हमारी स्किल्ड वर्कफोर्स ही लेके आएगी। तो अगेन इसमें भी आपके जो लोग हैं वो फिर मुख्तलिफ तरीकों से इसको इसका बिल्कुल पार्ट बन सकते हैं और ये हाँ, बड़ा सेम यानी ये पैटर्न जी, आप एज अ स्पॉन्सर भी आ सकते हैं और आप एज एन इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूटर भी आ सकते हैं, इन वट एवर कैपेसिटी यू विश टू जॉइन।